सर्दी आते ही त्वचा अपनी कुदरती रंगत खोने लगती है, साथ ही रूखी भी होने लगती है। इससे बचने के लिए हम कई मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मगर आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आप सर्दियों में अपनी त्वचा का रख सकते हैं ख्याल। स्किन की देखभाल तो हर मौसम में और हमेशा ही करनी चाहिए, लेकिन सर्दियों में स्किन से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं, इसलिए सर्दियों में स्किन की ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। सर्दियों में त्वचा काफी रूखी और बेजान हो जाती है, इसके लिए विटामिन ई युक्त मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। चेहरे को साफ पानी से धोकर रोजाना रात को और दिन में 3 से 4 बार मॉइस्चराइज लगाएं। सर्दी आते ही लोग गर्म पानी से नहाने लगते हैं, लेकिन ध्यान रखिए पानी ज्यादा गर्म ना हो वरना त्वचा रूखी हो जाती है। सर्दियों में साबुन का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। त्वचा अगर रूखी है तो स्क्रब करना भी बंद कर दें। सर्दियों में त्वचा को जानदार और कोमल बनाने के लिए दही और चीनी को मिक्स कर अच्छी तरह से चेहरे पर लगाएं और थोड़ी देर सूखने दें। इसके बाद हल्के हाथों से मसाज करें और फिर गुनगुने पानी से धो लें। सर्दी हो या गर्मी, खूब पानी पिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। पानी पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो स्किन डेड नहीं होगी और ग्लो हमेशा बना रहेगा। स्किन को कोमल और हेल्दी रखना है तो नारियल तेल का इस्तेमाल करें। नारियल को रोजाना नहाने से पहले इस्तेमाल करें, इससे स्किन कभी रूखी नहीं होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।